वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। तो दोस्तों, आप में से काफी लोग आचार्य की टीजर रिव्यू के बारे में बोल रहे थे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर। तो आपको बता दूं कि आचार्य का जो टीजर रिव्यू है वो कल आने वाला है, क्योंकि आज ये वीडियो आने वाला था तो इस वजह से मैंने टीजर रिव्यू अपलोड नहीं कर पाया हूं। तो आचार्य का जो टीजर रिव्यू है कल के हमारे फिल्मी टॉक के एपिसोड में आपको मिलेगा, और वहां पर और भी काफी सारी साउथ इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं जो हम करने वाले हैं। तो कल का फिल्मी टॉक एपिसोड मिस मत करिएगा। पर आइए फाइनली बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो पुष्पा, आरआरआर और फाइनली केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, तो साल 2021 की तीन बड़ी पैन इंडियन फिल्म का रिलीज डेट अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है, जहां पर केजीएफ चैप्टर 2 के मेकर्स ने इस बात को अब क्लियर कर दिया है कि रॉकिंग स्टार यस स्टारर फिल्म यानी कि केजीएफ चैप्टर 2 16 जुलाई को थिएटर्स में आ रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम जैसी 5 भाषाओं में। और इस चीज की अनाउंसमेंट करते हुए उन्होंने इस पोस्टर को जारी किया है, जहां पर आप देख सकते हैं रॉकिंग स्टार यश अपने जाने माने स्टाइल में बंदूक को पकड़े हुए खड़े हैं, और उनके पीछे ये जो शेर की मूर्ति हमें नजर आ रही है वो अपने आप में काफी चीजों को बयां कर रही है। ये जो फिल्म है किसी शेर की तरह खड़ी है कि इसके सामने जो भी आएगा वो शिकार बनने वाला है, और ये फिल्म किसी शेर की तरह बॉक्स ऑफिस 2021 पर राज करने वाली है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और फैंस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी के लिए तो सही में सेलिब्रेशन का समय है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी फिल्म है साउथ इंडस्ट्री से जो निकल के आ रही है, जिसे हिंदी में भी रिलीज करवाया जाने वाला है, और ये फिल्म है अडवी से स्टारर फिल्म यानी कि मेजर। जी हां दोस्तों, तो मेजर फिल्म की रिलीज डेट को भी यहां पे कर दिया गया है, और ये फिल्म भी हमें जुलाई के महीने में ही देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, तो 2 जुलाई को थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर केजीएफ चैप्टर 2 से इस फिल्म को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि काफी दिनों पहले ही ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। वैसे ये एक पैन इंडियन प्रोजेक्ट तो नजर आ रहा है, अब यहां पर आज जो अनाउंसमेंट हुई है उस मुताबिक ये फिल्म अभी हिंदी और तेलुगु में ही आने वाली है, बाकी भाषाओं को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी की नहीं गई है। तो इसके अलावा अगर आपने नजर दिया हो तो पिछले 2-3 दिन में ऐसा लग रहा है कि मानो सभी साउथ फिल्म मेकर्स जो हैं अपनी फिल्मों की रिलीज डेट को अनाउंस करने की दौड़ में लगे हुए हैं, और हर किसी को मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई हमारी डेट को हड़प ना ले। तो हर कोई बैक टू बैक अपनी फिल्मों की रिलीज डेट्स को अनाउंस कर रहा है, और इसी बीच एक और सरप्राइज हमें देखने को मिला सुपरस्टार महेश बाबू स्टार यानी कि सरकारू वाड़ी पाटा को लेकर, जहां पर आज फिल्म के मेकर्स ने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है कि महेश बाबू स्टारर ये फिल्म यानी कि सरकारू वाड़ी पाटा ये फिल्म हमें संक्रांति 2022 में देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, 2021 में ये फिल्म नहीं आ रही है, 2022 में संक्रांति के मौके पर ये फिल्म आएगी। अभी रिलीज डेट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि संक्रांति के मौके पर तमिल फिल्म इंडस्ट्री से भी काफी पिक्चरें आती हैं, तो यहां पर क्लैश वो करवाना चाहते नहीं होंगे। तो संक्रांति जैसे पास में आएगी तब हमें कंफर्म रिलीज डेट मिल जाएगी। तो फिर से सुपरस्टार महेश बाबू हमें संक्रांति के मौके में थिएटर्स में धमाका करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आज टीजर रिलीज के साथ साथ मेगा स्टार चिरंजीवी स्टारर फिल्म यानी कि आचार्य की भी रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है। ये फिल्म अभी फिलहाल सिर्फ तेलुगु में रिलीज होने वाली है, जहां पर इस फिल्म की रिलीज डेट को रखा गया है 13 मई। जी हाँ दोस्तों, 13 मई को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, और ये फिल्म जस्ट एक दिन पहले रिलीज होगी विक्ट्री वेंकटेश स्टारर फिल्म नरप्पा के साथ। जी हाँ दोस्तों, नरप्पा यानी कि विक्ट्री वेंकटेश स्टारर फिल्म नरप्पा जो कि 14 मई को रिलीज हो रही है, इस फिल्म से जस्ट एक दिन पहले हमें आचार्य थिएटर्स में देखने को मिलेगी। अब ये जो क्लैश है वो कितना किसके लिए प्रॉफिट और लॉस साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पे ढेर सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप कौन सी फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और काफी सारी फिल्मों की रिलीज डेट को अनाउंस किया गया है, सभी के बारे में जल्द ही बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।